पागल ऐसे नहीं बात करते, पब्लिक प्लेस है, यहाँ आहिस्ता बोलते हैं। पापा के गुस्से का पता है ना, जिस काम के लिए आए ना वही करें, बुक्स ले और घर चले। नहीं लेना मुझे, जब से आयु डांसी जा रही हो मैं नहीं मानूंगी आपका कहना। मैं नहीं लूंगी बुक्स, मैं नहीं मानूंगी आपका कहना। क्या हुआ, क्यों डांट रही हो इसको? देखो पापा मुझे डांटी जा रही है। खामोश, पापा मैं आपको बताती हूँ। रुको आप ही और जमजम, मैंने जो आपको कहा है आपने बुक लेनी है, इसके अलावा कुछ नहीं लेना, और हाँ पेंसिल भी ले लेना। सारे लोग बोलते जा रहे हैं। नहीं पापा, मुझे जो मैंने कहा है ना बस वो ही लेना, इसके अलावा कुछ नहीं लेना। नहीं सुनूंगी आपकी बात। देखे ना पापा, दूसरे गिफ्ट बॉक्स उठा रही है, इसलिए मैं इसको डांट रही हूँ। चलो जमजम तुम्हें बुक लेकर दूँ। बात ही नहीं सुनती बदतमीज, वो देखो कितनी प्यारी प्यारी बुक्स हैं। देखो ये आपकी मैथ्स की बुक, यही लेनी है बस आपको। मुझे ये अच्छी लगती बुक्स, मुझे चाहिए। क्या कर रही हो, यही लेनी है आपने, पापा ने कहा। सुनो जमजम तंग मत करो, मैथ्स की बुक दी आपको वो पसंद नहीं, इंग्लिश की बुक दी आपको वो पसंद नहीं। डांटो मत वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी। क्या कहा, मुझसे बदतमीजी से बात करती हो? ठहरो तुम। कैसे बिहेव करते हैं बच्चों के साथ? भाई दरअसल बात ये है, पापा ने कहा था कि जमजम को मैथ्स और इंग्लिश की बुक लेके देनी है, मगर ये तो बुक्स लेना ही नहीं चाहती, इसको पसंद ही नहीं आती, इसने मेरा दिमाग खराब कर दिया। तो कुछ भी हो छोटे बच्चे ऐसी जिद करते हैं, बच्चों को बुक्स पसंद नहीं होती, इनको पढ़ाई की तरफ लाना पड़ता है। अगर इससे प्यार से बात करेंगी तो ये खुद ब खुद पढ़ाई की तरफ आएगी। बहुत बार समझाया इसको, तुम भी समझा के देख लो। अच्छा तो ये बात है, तो मैं समझा के देख लेता हूँ। क्या बात है गुड़िया, मुझे बताओ। आप ही हो, मुझे हमेशा डांटती रहती है, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया था। देखा, आपके गुस्से की वजह से ये ऐसा बिहेवियर करती है। चलो छोटी गुड़िया मुझे बताओ, मैं आपकी हेल्प करूंगा, आओ मैं आपको प्यारी प्यारी बुक्स के बारे में बताता हूँ। ये देखो, ये है नंबर राइटिंग बुक, इससे आप 1-2 भी सीख जाओगी और इससे आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी, बस इस पे आपने ट्रेस करना है। हाँ वैसे अच्छी है, हाँ मुझे पसंद आई है, इसमें मैं लिखूंगी भी। हाँ ऐसे, इस पे भी, इस पे, हाँ यहाँ पे भी। ये देखो इंग्लिश बुक है, ये आपको एबीसी सिखाने में हेल्प करेगी। हाँ इसमें बहुत पिक्चर्स है, देखो डक भी है इसमें, ये मुझे बहुत अच्छी लगी है, जी मैं ले लेती। गुड़िया ऐसे ही दिल लगा के आपने पढ़ना है, और मामा पापा आप ही को तंग नहीं करना। अच्छा मैं तंग नहीं करूंगी। सॉरी मैंने आपसे गुस्से से बात की, ये अभी छोटी है, बच्चों से हमेशा प्यार से ही बात करनी चाहिए, ये मैंने अपने मामा पापा से सीखा है। इट्स ओके, छोटे हो या बड़े सभी सिर्फ प्यार की जुबान समझते हैं। अब नहीं डांटूंगी आपको। आई एम मुस्तफा फ्रॉम दुबई। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन दबाना मत भूलना। लव यू, बाय बाय।